नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आपको बताते हैं कि महाराजगंज से एक बड़ी खबर आ रही है जो कपिया जागीर गांव की है, जहां एक युवक ने गोली चला दी है। फिलहाल अच्छी खबर यह रही कि उसे गोली लगी नहीं है। आपको बता दें कि एक हार्डवेयर दुकानदार से कहासुनी हुई, उसके बाद वो उसको घर गया बुलाने के लिए, तो उससे घर वालों ने कहा कि भाग जाओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। वह युवक जैसे वापस आ रहा ही रहा था कि पीछे से आया और युवक गोली चला दिया। फिलहाल गोली उसे लगी नहीं है, इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर लेट से पहुंची और अपराधी से बात की तो अपराधी फ़ोन पर ही धमकी दे रहा था, जिससे लोग ग्रामीण वहां के आक्रोशित हो गए और प्रशासन के लोग को भी बंधक बना लिया। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं और ग्रामीणों ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है और आराम से अपराधी बात कर रहा है, उनका यह आरोप है। और आपको बता दें कि जिस तरह से महाराजगंज के ये कपिया जागीर की गांव की यह घटना बताई जा रही है, आइए सुनते हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ, उन्होंने क्या कुछ बताया है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर खबर आपको अपडेट से पहले दिया जा सके। धन्यवाद। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि हम लोग का यहाँ एगो मित्र है, उनका दुकान है हार्डवेयर का, MKS इंटरप्राइजेस। उसके बगल में एक ढेबर का चमार था, सूरज कुमार राम नाम है उसका। तो उसका टोला पर का भस्कुआ टोला के दो व्यक्ति हैं, राहुल और रोकी। वो दोनों का कि उसको मार के उसका मोबाइल 600 रुपया छीन लिए। तो हम लोग देखे तो उसको गए हम बुलाने के लिए दरवाजे पर। उसके बाद उसका दरवाजे पर जाने के बाद उसकी बुआ बोली कि बाबू आप चले जाइए ना तो खून खराबा हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से जब हम चले हैं तो रास्ते में अपने ही गांव के मतलब 100 गज के दूरी पर तुरंत आके गोली हम पे चला दी। कई राउंड एक राउंड चलाया और भाग गया। नाम रोकी, राहुल। अपना नाम? सोनू कुमार सिंह। घर कपिया जागीर।